क्या नाम है इसका? अभय प्रताप। कब से नौकरी कर रहे हो तुम? अभी कितनी नौकरी बाकी है तुम्हारी? माइक पे बोलो। 10 साल की सर बाकी है ना? जी सर। आज तुम्हारी लड़की गायब हुई होती तुम क्या करते? कॉम्प्रोमाइज करवाते? नहीं नहीं, आप लीजिए, आप वहां के बॉस हैं, सबसे बड़े अधिकारी पुलिस थाने के आप। वो समय पोस्टेड था सर, मैंने तत्काल एफआईआर कराई थी सर। ज्यादा बोलोगे तो और तकलीफ में जाओगे, क्योंकि तुम्हारा कंडक्ट रिकॉर्ड में दिख रहा है हमको। तुम्हें गुना भेजा कब गया? 2019 में। शांत हो जाओ। हाँ बताओ तुम, क्या इन्होंने क्या क्या किया उसमें? नहीं सर मैं शराब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। दोस्तों मैं आज आपको मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में लेकर के चलूंगा। लाइव कोर्ट रूम की आप वीडियो देखेंगे, आप देखेंगे कि जज साहब ने एक थानेदार की किस तरह से क्लास लगा दी। पुलिस वालों का जो वो रोप दिखा रहा था ना, पुलिस की वर्दी का, उसका वर्दी का 2 मिनट में कैसे रोप उखाड़ के फेंक दिया जज साहब ने। एक वो मासूम लड़की जो अपने घर से 5 साल से गायब थी, जिसके माता पिता रिश्तेदार लगातार गुहार लगा रहे थे कि हमारी बच्ची के बारे में हमें बता दो। जो भी उन्होंने एफआईआर कराई थी कि फला आदमी जिम्मेदार है इसको लेके जाने के लिए, फला फला इसमें शामिल है, लेकिन वहां पर जो चौकी इंचार्ज था SHO, उसने इस केस में कितनी ज्यादा ढील दी। आप सब लोग जानते हैं कि कई बार ऐसे आरोप लगाए जाते हैं कि पुलिस ने पैसे लेकर मामला रफा दफा कर दिया, और इस तरह के केस लगातार आते रहते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर भी आपने देखा होगा, मध्य प्रदेश के लाइव कोर्ट रूम की आज वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देखना कि एक हाई कोर्ट का जो जज होता है उसके अंदर कितना दिमाग होता है, उसका कितना ओपन दिमाग होता है। उड़ती चिड़िया के कहते हैं ना पर गिन लेना, तो जज जो होता है वो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता है। तो इस वीडियो को देखना, इस वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा कि उस माँ के आंसुओं को, उस बाप के, पिता के, उसके कलेजे के टुकड़े के बारे में जो कुछ भी SHO साहब ने वहां पर किया, खुलेआम कोर्ट में जज साहब ने उसकी पोल खोल दी, और उसके जो कांधे पर सितारे थे उनके साथ जज साहब ने क्या किया, ये चीज ध्यान से देखना। इसके बाद आप और हम डिस्कस करेंगे। कब से नौकरी कर रहे हो तुम? अभी कितनी नौकरी बाकी है तुम्हारी? माइक पे बोलो। 10 साल की सर बाकी है ना? जी सर। क्या जितनी नौकरी कर चुके हो इसी प्रकार से करी है नौकरी तुमने? बहुत दिन ये 3 फुट रह नहीं पाएंगे। हमने आपके बड़े ऑफिसर को बोल दिया, ये जो हरकत करी है आपने इस केस में, ये किसी प्रकार से जस्टिफाई नहीं की जा सकती है। 15-15, 20-20 साल की सर्विस करने के बाद ये हालत है आपकी क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन का। आज तुम्हारी लड़की गायब हुई होती तुम क्या करते? कॉम्प्रोमाइज करवाते? सर मैंने कॉम्प्रोमाइज कर नहीं बोला सर उससे। क्यों नहीं इंक्वायरी हुई तुम्हारे खिलाफ? हुई सर इंक्वायरी। कुछ नहीं हुई तुम्हारे खिलाफ इंक्वायरी? दो बार हुई सर इंक्वायरी सर। वही एडिशनल SP ने करी? नहीं सर, एक बार डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी हुई सर। अब वो इंक्वायरी में क्या हुआ होगा हम लोगों को पता है। एक इंक्रीमेंट। इस प्रकार के तुम बिहेव करोगे पुलिस स्टेशन पे, दिस रिमाइंड्स अस ऑफ सच सिचुएशन व्हिच यूजुअली वी सी इन मूवीज। वो पुलिस थाना तो शायद आप ही ओन करते हैं। जी सर। है ना? नहीं सर मैं उस समय पदस्थ था सर जब। नहीं नहीं, आप लीजिए, आप वहां के बॉस हैं, सबसे बड़े अधिकारी पुलिस थाने के आप। उस समय पोस्टेड था सर, मैंने तत्काल FIR कराई थी सर। ज्यादा बोलोगे तो और तकलीफ में जाओगे, क्योंकि तुम्हारा कंडक्ट रिकॉर्ड में दिख रहा है हमको। अब वो तो तुम्हारे SP और तुम्हारे IG साहब या DG साहब डील करेंगे तुमसे। ये मैटर पेंडिंग रहेगा अभी यहां पर। देखिए अपनी हरकतें सुधार लो, नहीं वाकई तकलीफ में आ जाओगे। तो अगर हमने दोबारा सुना कि तुमने इस तरह की हरकतें करी हैं, तो शायद हम ही तुमको यहां से ऐसा ऑब्जर्वेशन दे देंगे कि पुलिस फोर्स को तुमको नौकरी शायद निकालना पड़ जाए। क्योंकि अगर एक पुलिस ऑफिसर कल्प्रिट के साथ बैठ करके और विक्टिम के फादर के साथ डील निगोशिएट करने का एलिगेशन आ रहा, एलिगेशन ही आ रहा है, अगर यही बहुत ज्यादा है। 5-5 बार तुम जितेंद्र को बुला के थाने में बैठाते हो और उसके बाद बोलते हो कि ताला लगा मिला हमको। तुम्हारे जैसे लोग तो पुलिस फोर्स में
को बदनाम ही करते हैं। हमने लिखा है, आप इसी केस के ऑर्डर में लिखा है, एनी सिचुएशंस की वजह से मैंने लिखा है ऑर्डर में, देयर इज नो वन टू पुलिस द पुलिस मैन। कारण यही है कि आप किसी के कंट्रोल में नहीं हो, क्योंकि आप बादशाह हो, थाने के बादशाह हो आप तो, और कुछ होगा तो साहब से विनती कर लेंगे, एक इंक्रीमेंट रुक जाएगा और क्या हो, वही हुआ। और ऐसी तुमने कितनी हरकतें करी होंगी जो अननोटिस गई होंगी अभी तक, और तुम्हारे जैसे कितने और होंगे वहां पर, वी विल डील विद यू लेटर। बट एट इंटायर चालान में केवल 27 के मेमो वाला वो कुछ है ही नहीं सर, कुछ है ही नहीं केस में, केवल 27 के मेमो। और किसी की लड़की गायब हो गई है, 4 साल से 5 साल से गायब है, आज की तारीख में तो 7 साल हो गए, 5 साल हो गए, जिंदा है, मर गई है, कहाँ है, किसी को पता ही नहीं। सर आज जो सब्सिक्वेंट रिपोर्ट पेश की है, कंप्लायंस रिपोर्ट, वहाँ नया डेवलपमेंट हो गया है। लॉर्ड सुख ने डायरेक्शन दिया था कि सोनू के विरुद्ध आपने क्या कार्रवाई की जब उसने एडमिट किया है कि मैंने मर्डर कर दिया। रिपोर्ट ये आई है कि वो इनोसेंट है, उसके विरुद्ध हम कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि वो गलत फंसाए गए। अब सर रिपोर्ट इनने पेश किया, मैंने थोड़ी पेश किया था। ये रिपोर्ट कहाँ है जो इन्होंने आज कंप्लायंस रिपोर्ट पेश किया सर, देखें दिखाइए वो कहाँ है। मुझे 2 महीने में ट्रैफिक में रहा बाकी सर मैं तुमसे जितना पूछा जाए उतना जवाब दो। अभी तो डांट खा के हो, पीछे बैठाया था तुमको मैंने, ज्यादा सफाई दोगे तो और प्रॉब्लम फंस जाओगे। तो तुम्हें गुना भेजा कब गया? 2019 में। शांत हो जाओ, हाँ बताओ तुम, क्या इन्होंने क्या क्या किया उसमें? शट अप। तो दोस्तों ये वीडियो आपने देखी मध्य प्रदेश के कोर्ट रूम से, यहाँ पर जो जज साहब ने कार्रवाई की उस पर आपका क्या कहना है? क्या जो पुलिस वाला करप्शन करता है, करप्ट पुलिस वालों के खिलाफ इसी तरह से एक्शन लेना चाहिए जिस तरह से जज साहब ने लिया? अगर हमारे देश की अदालतों के जैसे बाकी भी इंसाफ करने वाले लोग हो जाएं तो इस देश से करप्शन ज़ीरो हो जाएगा, करप्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा भारत के अंदर। आप लोग हों या दूसरे लोग हों, सीना ठोक कर अगर किसी चीज़ पर भरोसा करते हैं तो वो है हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था, हमारे देश के कोर्ट। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो देखकर आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। आप लोग जानते हैं कि आज के समय में, आज का वो दौर चल रहा है जहां पर इंसाफ के लिए लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि एक गरीब व्यक्ति कोर्ट कचहरियों तक नहीं पहुंच सकता। तो दोस्तों अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप हमारी शेयर कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप के लिंक पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप इस्तेमाल करते हैं उस प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं हमें सपोर्ट करने के लिए। बाकी इंशाल्लाह फिर मिलूँगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ, तब तक दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।